शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से थैंक यू मामा, इतनी अच्छी पार्टी के लिए और मेरे फेवरेट केक के लिए और इस स्केचिंग सेट के लिए। आज का दिन बेस्ट था। आपको ये स्केचिंग सेट पसंद आया? जब मैं स्केचिंग सीख जाऊंगी तो सबसे पहले आपका ही स्केचिंग बनाऊंगी। माता रानी अपना आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। इस साल भी आप खूब खुश रहो, बहुत मजे करो और बहुत सारे स्केचेस भी बनाओ और लड्डू खाओ। लड्डू तो भूल ही गई थी मम्मा और अब मुझे फिर से भूख लग गई। तो फिर आप एक काम करो ना, आप लड्डू खाओ, तब तक मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ। काम भी तो जरूरी है ना। देखो अब चुप रहने से कुछ नहीं हो सकता है। जे मेरा कंसाइनमेंट कल सुबह तक मिल जाना चाहिए बस। मामा और आपका वाला लड्डू? अब वो मैं बाद में खा लूंगी ना। खाना तो वाकई लाजवाब है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। और पैसे खर्च किए ना तुमने और केक देखे तो कियारा फिदा ही हो गई। बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हो तुम सिया को। दीदू होती तो तुम्हें ये सब खर्चा करने ही नहीं देती। तुम तो जानते हो ना दीदू को, पैसे के मामले में तो वो इतना खर्चा। तुम भी हद करती हो कीर्ति। अरे तुम्हें तो अपनी सगी बहन का साथ देना चाहिए था और तुम अभय का साथ दे रही हो, उस अभय का जिससे तुम कल तक नफरत करती थी। अभय से नफरत हम नहीं, आप जलते हैं अभय से। अगर मैंने अपने भाई से 6 साल से बात नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे जलता हूं। और यहां पर बात तुम्हारी हरकतों की हो रही है कीर्ति। वैसे भी तुमने आज तक अपनी गलती मानी कब है? अच्छा आप हमारी गलतियों पे उंगली उठा रहे हैं? हमारी गलतियों पे उंगली उठाने से पहले आप ये सोचिए कि आपने कितनी गलती की। हाँ बहुत गलतियां की है मैंने, लेकिन फर्क यह है कीर्ति की मैंने अपनी गलतियों को माना है, उसका पश्चाताप किया है। और ये सब तुम कहां समझोगे, क्योंकि तुम तो अपनी गलती समझती नहीं। ओ हमें ना बहुत भूख लगी और सामने इतना अच्छा खाना सजा हुआ है जिसकी अहमियत आपको नहीं पता। ये कंगन 2 लाख के हैं, हमारे बेटे ने हमें जन्मदिन में दिए थे। सुंदर है ना? पर कान के झुमके ही बहुत सुंदर है। अरे ये तो बस 1 लाख का है, ये हमारे बेटे ने हमारे सालगिरह पे हमें दिया था। दुकान की दाम वाली पर्ची बनती जा रही है चाची जी, अब इनका दाम तो हम बताएंगे। कीर्ति तुमने क्या किया? अरे हमारे 40,000 के चप्पल पे तुमने चटनी गिरा दी। छी 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 छी, धंधा कर दिया। अरे ये पागलों की तरह तुम हंस का रहे हो भाई, सारा धंधा कर दिया और हंसी आ रही है तुम्हें? क्या करें चाची जी, आपको देख के ना हंसी आ ही जाती है। ऐसा लगता है कि किसी गरीब को कितने भी महंगे कपड़े गहने पहना दो, लेकिन जब वो मुंह खोलता है ना तो गरीब का गरीब ही लगता है।
रही हो और हमारी बेइज्जती कर रही हो तुम। तो कोई एहसान नहीं कर रही है आप हम पे? अरे एहसान का मतलब भी तुम जानती हो, इतनी मेहनत करके हमारे बेटे ने ये सब कुछ खड़ा किया है और तुम हमारी बेइज्जती करोगी? चाची जी, शायद आप भूल गई हैं कि ये सब हमारे कारण हुआ है, हम लोगों ने आपकी मदद की है इसीलिए। अच्छा, तो अब उसके बदले में तुम हमारे बेटे के पैसों को अपने जुआ में उड़ा उड़ा कर पूरा कर रही हो। बस करो कीर्ति, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। अच्छा, आप हमें चुप करा रहे? आपको ये नजर नहीं आता कि ये कोई मौका नहीं छोड़ती हमें बेइज्जत करने का, नीचा दिखाने का, अपने पैसे का रूप दिखाकर? और वरुण जी, क्या हो रहा है यहाँ? और कीर्ति, तुम मम्मी पे क्यों चला रही हो? नहीं, हमें हम कहाँ चिल्ला रहे थे, हम तो बस चाची जी को ये बोल रहे थे कि कीर्ति, तुम्हारा तमाशा हो गया हो तो चलो हमारे साथ। बस करो अब। क्या किया हमने मम्मी? कीर्ति, चलो हमारे साथ, चलो। हर बार इनकी गलतियों का सिरदर्द बस हम ही झेले। होते हैं मम्मी। कीर्ति, तुम्हें हर बार अपने घर वालों से लड़ना ही होता है। हम घर में आवाज उठाना जानते, ना कि दीदू की तरह आंसुओं का बोझ लेके यहाँ पहुँच जाते। कीर्ति, श्रद्धा यहाँ आई जरूर थी लेकिन हम पर कभी भी बोझ नहीं बनी है वो। यशवी जी, शांत रहिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और तुम ना कीर्ति, कभी श्रद्धा बन ही नहीं सकती हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। और वरुण जी तुम्हारी वजह से कभी चैन से सो तक नहीं पाते हैं। हेलो सर, ये मोहित जी ने रिपोर्ट भिजवाई है। और सर, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए प्लीज। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बात तो इस लड़की को सोचना चाहिए। हमारी बेटी एक ही शहर में रहती है लेकिन उसके बावजूद भी कोई और हमारी मदद कर रहा है। अरे वो तो श्रद्धा की दोस्ती है कि मोहित हमारा हमारे बेटे की तरह ख्याल रखता है। वरना क्या मम्मी, अरे आपके कारण हमारी शादी उस गरीब घर में हो गई और आप ही के कारण ना दीदू आज इस हालत में है। कीर्ति, तुम यशवी जी यशवी जी संभालिए अपने आप को। यशवी जी, खराब हो गई है, हमें कल सुबह उठते ही कानपुर के लिए निकलना होगा। मम्मा, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी से पैकिंग करती हूँ, नानी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सांजी बेटा उठो, हम कानपुर पहुंच गए हैं। मामा, अब हम यहाँ आ गए हैं ना, रानी जल्दी ठीक हो जाएंगे। माता रानी हमारे साथ है, जब हम दिल्ली में थे ना, मैं तब से ही नानी के लिए प्रेयर कर रही हूँ।
भगवान किसी को ज्यादा चोट ना आई हो। पापा हम लोग यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, आप चलो ना। बेटा एक्सीडेंट हुआ है, किसी को जरूरत हो सकती है कुछ। आपके पास आपको कुछ नहीं होने देंगी। भाई साहब किसी को ज्यादा चोट आई है क्या? ड्राइवर के अलावा एक औरत है, एक छोटी सी बच्ची भी है। औरत तो मामूली चोट आई है, बच्ची बिल्कुल ठीक है। अरे भैया हम क्या करें, हमार चलती गाड़ी पे एक कागज का टुकड़ा आके अटक गया, हम हड़बड़ा गए। अब किसी की बेवकूफी की वजह से ये मालिक हमसे पैसा काटेगा। स्कूल की टीचर मुझ पे चिल्लाएंगी, आप चलो ना। अच्छा मामा चलो। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। तुम्हारे सर पे चोट है, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, सांवी बहुत ज्यादा घबरा गई है। अरे मेरी गुलमुली तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मोहित अंकल, अच्छा तो जल्दी जल्दी ना घर जाते हैं, वरना तुम्हारे पसंद की ना मलाई कुल्फी ना बुरा मान जाएगी। ठीक है। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। हमारी ना बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी, पर आपको देखकर ना वो भी ठीक हो गई। श्रद्धा बेटा, हमारी वजह से तुम्हें अचानक कैसे आना पड़ा ना? हमने ना तुम्हारे पापा को मना भी किया था, पर इन्होंने तुम्हें मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं घर से दूर क्या गई? मैं पराई हो गई क्या? अपने मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए मैं
मैं उनके पास वापस नहीं आ सकती क्या? मम्मी, मामा क्या हुआ नानी को? यशु जी, कुछ नहीं बेटा, वो जादू से ना नानी माँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यशु जी, आंटी जी आराम से प्लीज। मम्मी, श्रद्धा मम्मी ठीक है, तुम घबरा मत प्लीज। मोहित, मम्मी पापा का तुमने इतने अच्छे से ख्याल रखा है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये शुक्रिया वुक्रिया हमारे बीच में कहां से आ गया? और बचपन से ना ये ना मेरे मम्मी पापा जैसे भी है। और अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही था तो दिल्ली से वो टेस्टी कुलचे छोले ले आती यार। बेस्ट थैंक यू तो वही है। सो सॉरी, मैं भूल गई, पर हाँ अगली बार ना पक्का लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। पक्का? प्रॉमिस। मोहित बेटा, हाँ जी बैठे हो। श्रद्धा बेटा, तुमने तो भाई को बताया कि तुम यहाँ आ गई हो? सिया को स्कूल छोड़ा है? कल जिस तरह से तुमने बात की मम्मी से, जो भाषा थी तुम्हारी, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हमारा मतलब था कि चाची जी हर बात पे अपने गहने, अपने पैसे, अपने कपड़ों के बारे में बात करती रहती, तो ठीक है, नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। वैसे भी एक परिवार है, वो घर की बड़ी है, कुछ भी बोल सकती है। हाँ ठीक है। अबे वो किटी पार्टी के लिए ना, वो थैंक यू, तुम कितना करते हो हमारे लिए। हेलो, मेरा कंसाइनमेंट मुझे आज मिल जाना चाहिए। अभय, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी सर, वो आपको आपका कंसाइनमेंट आज मिल जाएगा। क्या मैं आपका नाम? क्या बात है, मतलब तुम वहां दिल्ली में रसोई में रहती थी क्या? मतलब आते ही सबसे पहले यहां आ गई। जानते हो मोहित, ये ना कुछ भी नहीं है, इसके पहले मैं 11-12 लोगों का खाना एक साथ बनाती थी, और वो भी सबकी अलग अलग फरमाइशें होती थी। जानते हो सबसे जिद्दी ना वो अभय थे। ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब कानपुर आई हो तो आगे क्या सोचा है? सोचती भी हो तुम अपने अलावा किसी और के बारे में? अरे कम से कम अपनी बेटी की पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान तो दे दो। आज कह रहा कि स्कूल से कंप्लेंट आई, अंदाजा है तुम्हें उसकी उम्र के बच्चे को मिलते इतने रेड मार्क्स? अगर कह रहा स्कूल ही नहीं जाएगी तो अपना भविष्य कैसे बना पाएगी?
अभी कुछ भी नहीं सोचा है। देखो वहाँ पे दिल्ली में सानवी के साथ सब कुछ अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मुझे सबकी आदत हो गई, तो वैसे ही यहाँ कानपुर में भी देखती हूँ कुछ। लेकिन मम्मी पापा को तुम्हारी जरूरत है। जानती हूँ मोहित, मम्मी पापा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप कौन सी जिम्मेदारी उठाते हैं? क्या मैं दिन रात कमर तोड़कर मेहनत कर ताकि घर के खर्चे उठा सकूं, और तुम चाहती हो कि कियारा की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊं? मैं बस पैसे कमाता रहूं, है ना, और तुम उन पैसों को अपनी किटी पार्टियों पे उड़ाती रहो। वाह, ऐसे कितने पैसे दे देते हैं आप हमें कि हम अपनी पार्टी में। कुछ नहीं होगा पापा, तो बस इतनी ही तनख्वाह है मेरी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। कैसे करेंगे? कीर्ति ये सब क्या है, तू पापा से इस उम्र में पैसे कमाने के लिए कह रही है? आते के साथ भाषण देना शुरू कर दिया ना आपने, लगता है तुझे फिर से सिखाना पड़ेगा कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। आप हमें सिखाएंगी गृहस्थी चलाना? हम अपनी घर गृहस्थी ना अच्छे से चला रहे, आपकी तरह नहीं घर छोड़ के चले गए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।